झारखंड की राजनीतिक अखाड़े में इस बार ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। एक समय था जब बीजेपी की राजनीति का परचम झारखंड की धरती पर लहराता था, लेकिन अब हालत बदलते नजर आ रही है। आगामी 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली। आइए इस पूरे दृश्य को एक कटाक्षपूर्ण नजरिए से समझते हैं। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। बीजेपी जिसने 2014 में 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2019 में मात्र 25 सीटों पर सिमट गई। हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 47 सीटें जीतकर सरकार बना ली। हालांकि बीजेपी की हार का ठीकरा कई जगह फोड़ा गया, लेकिन असली समस्या राज्य में जनता की बदलती सोच थी। झारखंड की जनता, जो एक समय बीजेपी की नीतियों पर भरोसा करती थी, अब धीरे धीरे उसकी राजनीति से मोह भंग होने लगी। अब 2024 में होने वाले चुनावों की बात करें तो हालत और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। झारखंड की चुनावी परिदृश्य में जनता के मुद्दे हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। पिछले कुछ सालों में राज्य में आदिवासी अधिकार, बेरोजगारी और स्थानीय विकास के सवालों पर बीजेपी की सरकारों को घेरने का काम किया गया है। आदिवासी वोट बैंक की दूरी की अगर बात करें, झारखंड में आदिवासी समुदाय का प्रभावी वोट बैंक है। 2019 के चुनावों में बीजेपी का आदिवासी वोट बैंक उससे छिटक गया था। ऐसा माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया है। भाजपा के खिलाफ आदिवासी समुदाय में आक्रोश बढ़ता गया है, खासकर भूमि अधिग्रहण और वन अधिकार कानून जैसे मुद्दों पर। बेरोजगारी का सवाल, झारखंड की जनता के बीच बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। बीजेपी की केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का ढोल पीटा, लेकिन झारखंड में युवाओं को इसका फायदा खास तौर पर नहीं दिखा। बेरोजगारी दर अभी भी लगभग 10.7% के आसपास है। चुनावों में बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। स्थानीय विकास और बुनियादी सुविधाएं, अगर इनकी बात की जाए, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बीजेपी के लिए चुनावी में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन ना होना बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहा है। 2024 के चुनावी माहौल में बीजेपी का संघर्ष, 2024 के चुनावों की बात करें तो झारखंड में सत्ताधारी दलों के साथ साथ विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। जेएमएम और कांग्रेस की जोड़ी एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार है, जबकि बीजेपी अपने खोए हुए किलों को फिर से पाने की कोशिश में है। पिछले कुछ महीनों में जो सर्वे सामने आया है वो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे। अप्रैल 2024 में संभावित चुनावों को देखते हुए बीजेपी को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन क्या बीजेपी वाकई में अपनी नीतियों और रणनीतियों में बदलाव ला पाएगी? जनता का मूड और बीजेपी की हालत, अगर झारखंड की जनता के मूड की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए हालत वाकई में चुनौतीपूर्ण है। हाल ही के सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड में बीजेपी को 2024 के चुनावों में 25-30 सीटों के बीच में ही सिमटने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, झारखंड में हुए एक हाल ही सर्वे में पाया गया कि राज्य की जनता हेमंत सोरेन की सरकार से ज़्यादा संतुष्ट दिख रही है और बीजेपी की आलोचना करती नज़र आ रही है। ये साफ है कि हेमंत सोरेन का स्थानीय नेतृत्व बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे के मुताबिक मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो रहा है। बीजेपी की कमज़ोर रणनीतियाँ,
बीजेपी की चुनावी रणनीतियों की बात करें तो यहाँ भी उसे पिछड़ते हुए देखा जा रहा है। 2019 के चुनावों के बाद से बीजेपी ने झारखंड में कोई खास स्थानीय मुद्दों पर काम नहीं किया। बीजेपी के नेता ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते नजर आते हैं, जबकि झारखंड की जनता को स्थानीय समस्याओं का समाधान चाहिए। बीजेपी लगातार राष्ट्रीय मुद्दे जैसे धारा 370, राम मंदिर और राष्ट्रवाद पर जोर देती आ रही है, लेकिन झारखंड की जनता इन मुद्दों से ज़्यादा स्थानीय विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान देती है। झारखंड में बीजेपी का कोई बड़ा स्थानीय चेहरा नहीं है। 2019 में रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बीजेपी के लिए स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। अब 2024 में बीजेपी के पास ऐसा कोई प्रभावशाली चेहरा नहीं है जो हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी जंग लड़ सके। क्या भाजपा वापसी कर पाएगी? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो झारखंड में वापसी कर पाएगी? जवाब देना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये साफ है कि बीजेपी को अगर जीत हासिल करनी है तो उसे कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। अगर बीजेपी अपनी नीतियों और रणनीतियों में बड़ा बदलाव करती है तो संभव है कि वह कुछ सीटों पर वापसी कर सके, लेकिन इसके लिए उसे आदिवासी समुदाय को फिर से अपने पक्ष में करना होगा, रोजगार के मुद्दे पर ठोस कदम उठाने होंगे और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना होगा। झारखंड में बीजेपी की स्थिति आज ऐसी हो गई है जैसे कि आगे कुआं पीछे खाई। जहां एक ओर उसे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर राज्य की जनता के असंतोष का सामना भी करना पड़ रहा है। चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है और बीजेपी के लिए ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कैसे इन चुनौतियों का सामना करती है। अभी तक जो हालत नजर आ रही है उसमें 2024 के झारखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए हार और जीत के बीच एक पतली रेखा खींची हुई है। अब देखना ये है कि बीजेपी उस रेखा को पार कर पाती है या नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।